get you out of here. आज हम लोगों का एक कल लगभग पूरे प्रदेश में एक महीना से किसान नौजवान पटेल यात्रा चल रही है। आज महान पुरुष के जयंती के उपलक्ष्य में आज उनका पूर्व गृह मंत्री हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के उपलक्ष्य में आज केपी ग्राउंड में जो है आज उसका समापन समारोह है। प्रदेश कैसे हम लोग का बचे, कैसे अमन चैन हो, कैसे बेरोजगारी दूर हो, कैसे किसान का कैसे यात्रा पूरी हो, पटेल यात्रा नौजवान यात्रा जो हमारी हो रही है, ये गांव गरीब खेत की किसान खलिहान मजदूर नौजवान ज्ञान विज्ञान महंगाई बेरोजगारी जितनी हो रही है, तो हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराओ और देश को बचाओ। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी तो देश को खा जाएगी। जिस तरह से लोगों ने आशा उम्मीद लगाया था नरेंद्र मोदी के ऊपर कि एक चाय वाला गरीब प्रधानमंत्री हो जाए, गरीबों की सुनेगा, चाय वाला ने चाय बेचते बेचते पूरा देश बेचना शुरू कर दिया। अगर हम लोग नहीं जागे, यहाँ की जनता नहीं जागी, तो देश हमारा समझिए फिर से गुलाम होने जा रहा है। देश को कई भागों में बांट देगा नरेंद्र मोदी जो है। एक तरफ योगी हैं जो बड़े बड़ा महंत हैं, योगी बने हैं, योगी जो हैं ये गांव गरीब का किसान का दर्द नहीं जानते, इसलिए कि जहां पर इनका महंत था, जहां पर इनका आश्रम था, वहां पर सोना चांदी हीरा मोती बहुत बड़े मठ के महंत है गोरखनाथ पीठ के जो है। एक तरफ गुजराती वो हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वहां पर हीरे की पैदावार होती है, उनको धान गेहूँ से और चना से सरसों तेल से क्या मतलब है, उनको तो मतलब खाली हीरा से है। तो उनको जो जिस तरह से उन्होंने जहाज बेचा, रेल बेचा, जिस तरह से उन्होंने जो है बिजली बेचा, जिस तरह से लाल किला बेच दिया, जिस तरह से आप समझ लीजिए पूरा देश बेच रहे हैं, उससे हम लोगों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। आज नौजवान सड़क पर निकल पड़े हैं, आप देखते चुनाव आते आते जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में किसान नौजवान मजदूर खेत खलियाँ जिस तरह से किसानों को दबाया गया, जिस तरह से बच्चों का बलात्कार हो रहा है, जिस तरह से लोगों का मकान गिराया जा रहा है, मैं समझता हूं कि एक जात का अपराधी अगर एक आदमी है तो उसके जात के हर लोग अपराधी नहीं हो जाते हैं। खुशी दुबे का क्या दोस्त था, उसको 6 दिन के बेचारी लड़की आई थी, उसको जेल भेज दिया इन्होंने उठा करके जो है। तो ये है, जब से इन बंदरों के हाथ लग गई है कटारें, तो हादसों के दौर बढ़ गए इस प्रदेश में। और जब से गंदी मानसिकता के लोग बन गए गृहमंत्री प्रधानमंत्री, CRB घूमने लगे सिंहसार के भेष में। तो हम लोग को देश का प्रदेश को बचाना है और गांव गरीब किसान का सरकार बनाना है। और आइए अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव ही हमारी सरकार को बना सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।